हेलो जी, हाय, कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ, पर डिसअपॉइंटेड हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ. इतनी जल्दी आपसे 2 हफ्ते में मिलके बात करूंगी ये सोचा नहीं था, तो आई एम नॉट हैप्पी विद माय एविक्शन एट ऑल. आपके बिग बॉस ओटीटी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. एक्सपीरियंस तो बड़ा ही टारगेटेड एक्सपीरियंस रहा. मुझे लगता है डे वन से ही बैश 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 ऐसा लग रहा था कि सब बस पीछे ही पड़ गए हैं हाथ धो के. पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी थी स्टेज से ही, जो मुझे पहले तो थर्ड रैंकिंग जनता ने दी थी, फिर भी मुझे अंदर जाने नहीं दिया, 2 दिन घर में लेट भेजा, उसके बाद मुझे कहा, उसके बाद 3 दिन जेल में रख दिया, घर से कट ऑफ कर दिया. तो इतनी चीज़ें मेरे साथ हो गई कि मुझे बहुत टारगेटेड फील हुआ. फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स मुझे दे दिए गए, कहीं फेक बोल दिया, कहीं फॉल्स नरेटिव सेट कर दिए बोल दिया, कहीं जो लोग मेरे करीब थे उनको बोल दिया कि आप गलत स्पेस में, गलत कंपनी में, इससे दूर हो जाए. अभिषेक को दूर कर दिया, जग को बोल दिया कि ये एंगल बहुत ही फेक, बहुत ही गलत लग रहा है, आप मनीषा पे फोकस करिए, वो लोगों को अच्छा लग रहा है. तो हर चीज़ ऐसा लग रहा था मेरे अगेंस्ट 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 जा रही है, बहुत ही टारगेटेड और अनफेयर लगा मुझे. आपको बिग बॉस ओटीटी कैसे मिला? बिग बॉस का कॉल तो मुझे 3 से 4 सालों से ही आ रहा था, बट बिग बॉस ओटीटी का कॉल इस बार आया और मैं जियो के लिए ही काम कर रही थी. मेरा इंस्पेक्टर अविनाश और रणदीप हुडा के साथ भी जियो पे ही रिलीज़ हुआ है. मेरी दूसरी बड़ी सीरीज भी जियो पे रिलीज़ है जुलाई में. वैसे ही मुझे कॉल आया इंडमॉल और जियो के. क्या आपके नए दोस्त बने? दोस्त डेफिनेटली पलक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी और डे वन से ही हमारा एक वाइब था जो मैच हुआ. तो प्लस अभिषेक के साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा रहा, मनीषा से भी मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही, और ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं बाहर भी टच में रहना चाहूँगी. आपको नहीं लगता आपका एविक्शन बहुत जल्दी हो? लगता, मुझे पता है कि मेरा एविक्शन बहुत जल्दी हो. 14 दिन भी नहीं मिले मुझे पूरे, ऑलरेडी 2 दिन शो में लेट थी, 3 दिन जेल में थी, तो बहुत कम वक्त मिला मुझे शो. अच्छा, आपके किस बहुत फेमस हो गए, उस पर क्या कहना चाहूँ? पता नहीं किसका तो ये किस्सा जो इतना बड़ा बन गया, मुझे भी नहीं पता था जब मैं टास्क कर रही थी, मुझे नहीं लगा था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है बाहर, जो मुझे वीकेंड के वार पे पता चला. पर जब मैंने बाहर आई तो मैंने देखा जियो के ऐप पे भी एंड मॉल पे भी सब जगह ये प्रमोशन में यूज़ हो रहा है, इसके टीज़र कटे हैं, ये फुल ऑन खुल के एकदम ओपनली प्रमोट किया गया है. और अगर ये इतना गलत था, अगर एक होस्ट से आपने इसके लिए सॉरी, तो ये कैसे फिर ऐप्स पे है? क्यों ये टेलीकास्ट हुआ? क्यों हमें रोका नहीं गया जब हम ये डांस कर रहे थे? और अगर गलत था तो फिर इतना खुल के इसको प्रमोट कैसे? उसी से हाईएस्ट टीआरपी वाला जो एपिसोड है, हाईएस्ट टीआरपी इस पूरे शो की उसी एपिसोड की है, और आपने उसी का थंबनेल बना के हमारी पिक्चर डाल के भी एपिसोड लिस्ट में डाली हुई है. अगर ये इतना गलत है तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? ये बात मुझे नहीं समझ. आपको मौका मिले वाइल्ड कार्ड एंट्री, आप जा पाओ जाओगे? ये शो बहुत छोटा है, आई थिंक बहुत ही कम वक्त का है. 5 से 6 हफ्ते के शो में ऑलरेडी, जिसमें हम तीसरे वीक में, उसमें 4th हफ्ते में क्या जाऊंगी वाइल्ड कार्ड, क्या करने जाऊंगी? तो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा. ठीक, लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे? फैंस को पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगी, जो मुझे एंड तक देख रहे हैं उनको मैंने डिसअपॉइंट कर दिया, तो आई एम सॉरी, बट थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया उसके लिए, एंड आई लव यू फॉर दैट. हमेशा प्लीज मुझे ऐसे सपोर्ट करिए, थैंक यू. और लास्टली आपके फैंस किधर देखना पसंद करेंगे, ओटीटी या मूवी? जी अभी तो ओटीटी पे फिलहाल मेरी सीरीज रिलीज है, वो पहले तो आप सबसे पहले वो देखेंगे, प्लस मेरे 2 बड़े सॉन्ग रिलीज हैं जुलाई में, उसमें देखेंगे. तो बस ऐसे प्यार करिए मुझे एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.